Sir, drill stem test. A means of providing a temporary completion to determine the characteristics of well and then determine what would be the best permanent completion. DST, as this statement states, ये एक temporary completion होता है. अभी जैसे आपके पास में suppose exploratory well है. अभी exploratory well everybody knows कि एक wildcat होता है exploratory well. रिमोट लोकेशन है आपके पास में, आसपास का कुछ डेटा नहीं है, रिमोट लोकेशन पे हो आप और वो एक एक्सप्लोरेटरी वेल है. तो अभी उस सिनेरियो में आप ये नहीं चाहोगे कि आप पूरा वेल ड्रिल करो, 2 महीना 3 महीना पूरा वेल ड्रिल करके उसको पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद में उसमें फिर परमानेंट कंप्लीशन डालो. जैसा परमानेंट कंप्लीशन सपोज ट्यूबिंग डालो, फिर ट्यूबिंग के साथ में एक आध पैकर डालो, ठीक है, ताकि आपका जो लिक्विड वेल से जो निकलेगा वो अननेसेसरी वेल में पूरा ना भरे, एनुलस में अननेसेसरी वो भर के वेस्ट ना हो. आप नीचे पैकर लगाते हो तो ताकि जो भी निकले वो सीधा ट्यूबिंग से ऊपर सरफेस पे आए, वेल अननेसेसरी एनुलस पोर्शन ना भरे. अभी ये परफोरेशंस है, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीशन स्ट्रिंग. ठीक है, ये आपने वेल, ये वेल आपकी एक्सप्लोरेशन वेल है. ठीक है, अभी ये जब ट्यूबिंग है, ये ट्यूबिंग आपने ऐसी अगर ओपन एंडेड, ये ओपन एंडेड ट्यूबिंग है, इसका यहाँ पे एंड ओपन है, ठीक है, ये ओपन एंडेड ट्यूबिंग आपने ऐसे ही रन कर दी, ऊपर क्रिसमस ट्री वगैरह लगा दिया, यहाँ पे वेल रेडी हो गया आपका फ्लो कराने के लिए. ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पे फ्लो स्टार्ट किया तो यहाँ से रिजर्वोयर से ऑफकोर्स फ्लूइड अंदर आएगा वेल में, प्रेशर जैसे ही ड्रॉप हो जाएगा वेल का अंदर आएगा और वो स्टार्ट फ्लोइंग. बट वेर इट विल फ्लो, इट विल कम ऑफ कोर्स दिस लाइक दिस, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग और कुछ यहाँ पे भी आएगा, बट मोस्टली ये पूरा भरेगा और उसके बाद यहाँ से आएगा. या फिर अगर आपने सपोज ये जो ट्यूबिंग है ये अगर थोड़ा ऊपर में ही रखा, पूरा नीचे तक नहीं ले गए, ठीक है, सपोज यहाँ तक ही रखा तो यहाँ से भी घुसेगा. तो बट बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी आएगा, जो कि एक नॉट रिक्वायर्ड पोर्शन है, यहाँ पे हमको नहीं चाहिए कुछ, यहाँ पे क्यों भरना है, हमको तो सिर्फ ऊपर लेके जाना है, हमारा मेन पर्पस क्या है, सरफेस पे लाना, तो हमको सिर्फ इसमें चाहिए. तो व्हाट वी डू इज वी पुट अ पैकर विथ ट्यूबिंग. पैकर क्या करेगा, अंदर जाके ट्यूबिंग और एनुलस के आइसोलेट कर देगा. तो ये जो पोर्शन है एनुलस का जो हमको नहीं भरना है अननेसेसरी, वो आइसोलेटेड रहेगा, जो भी यहाँ से निकलेगा वो सीधे इसके अंदर यहाँ तक भरेगा, मतलब एक 20-25 मीटर तक, और फिर बाकी का पूरा यहाँ से सीधे अंदर आके सीधे बाहर आएगा यहाँ से. ठीक है, सो द पोर्शन और ओपन स्पेस बिटवीन ट्यूबिंग एंड दिस इज योर वेल, दिस इज योर ट्यूबिंग, सो दिस पोर्शन इज योर एनुलस. तो ये एनुलस को आइसोलेट करने के लिए वी पुट पैकर. अभी जब आप एक्सप्लोरेटरी वेल्स पे हो तो यू डोंट वांट अननेसेसरी टू डू ऑल दिस, यू नो, परमानेंट कंप्लीशंस, परमानेंट पैकर्स रन करो और फिर ऐसे टेस्ट करो एंड ऑल दैट. हम लोग इसकी बजाय क्या कर सकते हैं, ऑल टुगेदर वी कैन जस्ट रन अ डीएसटी. और डीएसटी क्या होता है, इट विल गो इन टू द वेल विद ड्रिल पाइप्स. इसके जो पैकर्स होंगे, इसके जो भी टूल्स होंगे ना जो वेल के अंदर जाएंगे, दे विल ऑल गो अलॉन्ग विद द ड्रिल पाइप एंड दे'ल गो एंड दे विल और मेक द अरेंजमेंट सेम इस जैसा जाके अंदर वो लोग अरेंजमेंट बना देंगे वेर इन यू कैन फ्लो द वेल विदाउट गेटिंग एनुलस हेडिंग. और ये क्या होता है, ये रिट्रीवेबल होता है डीएसटी, मतलब ये टेम्पररी अरेंजमेंट्स है और आपके ड्रिल पाइप के साथ जाएंगे. तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है एक एक्सप्लोरेटरी वेल पे जो कि एक रिमोट लोकेशन पे है आपको वेल फ्लो कराने के लिए. और डीएसटी में काफ़ी सारे कंट्रोल मेजर्स होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स जब आप वेल ऊपर सरफेस पे, इफ़ यू आर अलाउइंग द वेल टू फ्लो ऑन द सरफेस, तो वो जो चीज़ होती है वो एक बहुत हार्श है, मतलब बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि आप एक वेल को अपने आप ऊपर सरफेस पे आने दे रहे हो. तो यू शुड हैव ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ कंट्रोलिंग द वेल इन दैट सिनेरियो. तो इसलिए डीएसटी में ऐसे टूल्स भी होते हैं विच आर सब सरफेस टूल्स विच आर यूज टू ओपन एंड शट द वेल डाउन होल. और ये टेम्पररी होता है, डीएसटी टेम्पररी होता है. तो ये जाएगा नीचे, सबसे नीचे में टीसीपी गन होगा, वो जाएगा परफोरेट करेगा केसिंग को और वहाँ से आपका पैकर जो ऊपर सेट हो जाएगा और जो भी फ्लूड निकलेगा वो सीधा ट्यूबिंग से और ड्रिल पाइप से होता हुआ आपके सर्फेस पे आ जाएगा. ये पूरा टेम्पररी होता है. ओके, नाउ ओपन होल डीएसटी होते हैं और केस्ड होल डीएसटी भी होते हैं. केस्ड होल डीएसटी वो होते हैं कि ऑफकोर्स वेल में केसिंग लग चुका है एंड देन यू डू अ डीएसटी रन, दैट इज केस्ड होल डीएसटी.
और ओपन होल वो होते हैं जब वेल में अभी तक केसिंग नहीं डलाया, बिना केसिंग डले ही आपको वेल को फ्लो करा के चेक करना है, तो वो हो गया आपके ओपन होल डीएसटी। आई गेस इट इज प्रिटी मच क्लियर।